एक सवाल है, उसका जवाब दे दें पूरी दिल्ली की जनता को और पूरे देश की जनता को कि ये लेटर जिसमें ये लिखा गया था कि रोहिंग्यास को बेटर अकोमोडेशन, बेटर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी, ये क्यों लिखा गया था? हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है, वो हमारे गृह मंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में, पार्लियामेंट में, सारे देश के सामने बड़ा क्लियर कर दिया कि हम रोहिंग्यास को डिपोर्ट करना चाहते हैं, वो हमारी पार्टी का भी स्टैंड है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से आप ये सवाल पूछिए कि उनका क्या स्टैंड है इस मुद्दे को लेकर। सच्चाई ये, हमसे तो आप सारे सवाल पूछते हैं और हम खड़े होकर आपको जवाब भी देते हैं, वो कब जवाब देंगे? जब वो एक्सपोज होते हैं, जब वो ये कहते हैं कि पूरे देश में हम स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाएंगे, ये तो पूछिए अपने माध्यम से कि पिछले 7 साल में दिल्ली में कितने स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाए, कितने आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करी है। जब आप एक्सपोज होने लगते हैं लिकअप पॉलिसी में, तो आप ये जो डाइवर्ट करने की पॉलिटिक्स है ना, ये जो अपनी नीची इतनी घनौनी राजनीति आप करते हैं कि जो आप दिल्ली को बर्बाद करते आ रहे हैं पिछले 7 साल से, और ये जो बड़े बड़े विज्ञापन दे के, बड़े बड़े आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, आप बचेंगे नहीं, क्योंकि कभी ना कभी आप एक्सपोज होंगे। खड़े होके दिल्ली की जनता को ये जवाब दीजिए कि आप क्या क्या स्टैंड है रोहिंग्या उसको लेके, क्योंकि हमारा स्टैंड हमारे गृह मंत्री जी ने बड़ा क्लियर कर दिया, वो हमारी पूरी पार्टी का, हम सबका स्टैंड वही है। एमएचए ने क्लियर दिल्ली सरकार का ये सवाल है, साथ में ये भी कहा जा रहा है कि 29 जुलाई को चीफ सेक्रेटरी ने एक मीटिंग ली जिसमें कि ये डिसाइड किया गया, लेटर इशू किया गया, ये तमाम चीज़ें सवाल उठाए जा रहे गृह हैं। मंत्री जी के जवाब के बाद भी इनको जवाब चाहिए, मतलब उससे बाद भी कोई कोई जवाब बनता है, और वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस में। कितनी बार खड़े हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री लोगों के बीच में और ये जवाब दिया है कि उनका क्या स्टैंड है रोहिंग्या इसको लेके, और ये लेटर किसके दबाव में लिखी गई थी और क्यों लिखी गई थी, ये तो बताएंगे या नहीं बताएंगे? वैसे तो ये बताएंगे नहीं, क्योंकि आप पूछोगे भी नहीं और वो आएंगे नहीं। सच्चाई ये कि हमारा स्टैंड हमारे गृह मंत्री जी ने बड़ा क्लियर कर दिया, अब जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री की है जो इतनी गंदी राजनीति करते हैं जिससे शर्म आनी चाहिए उनको भी, और उस तरीके की राजनीति हम कभी करना चाहते भी नहीं और ना हम कभी करेंगे, ना हमारी पार्टी के ये संस्कार हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरह की अगर पॉलिटी के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है? वो तो सिर्फ दिल्ली में थोड़ा, उन्होंने तो ये पंजाब में भी किया। ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से आप ये दिल्ली की या देश की जनता को बताएं। सारे देश को पता है कि किस तरीके से पंजाब में सरकार बनाई है, कहाँ का समर्थन उनको मिला था और अभी तक कहाँ से समर्थन मिल रहा है उनको। जो लिकर पॉलिसी की ये बात करते हैं, जो दिल्ली में 550-600 ठेके खोले गए, वो क्यों खोले गए? एक स्कूल तो नहीं खोला गया 7 साल में, एक हॉस्पिटल, एक कॉलेज तो नहीं खोला गया, क्योंकि जो वो ठेकों से पैसा आया उससे पंजाब में इलेक्शन लड़े हैं, और जो फंडिंग इनको आई है, जिनका इन्होंने समर्थन लिया है, वो सब जानते हैं आज लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है पंजाब में। तो इनको कोई लेना देना नहीं है ना नेशनल सिक्योरिटी से, ना दिल्ली की जनता से, ना देश की जनता से। जिसको इस सत्ता की, इस कुर्सी की आदत पड़ जाए ना कभी जब वो एक्सपोज होंगे, और आने वाले 3 साल में ये एक्सपोज होंगे, क्योंकि एक लिमिट होती है इतनी गंदी राजनीति करने की। खड़े होके पूरे देश की जनता को बताएं कि आपका क्या स्टैंड है रोहिंग्यास को लेके। हमारा स्टैंड हमारे गृह मंत्री जी ने, उससे बड़ा स्टैंड कोई नहीं, उससे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं वो स्टैंड ले सकता फ्लोर ऑफ द हाउस में। जो गृह मंत्री जी ने बोला है वो हमारी पार्टी का स्टैंड है, अब उनकी जिम्मेदारी है, वो बताएंगे। लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी है उसकी मेक इंडिया नंबर वन, और उसमें कहा कि 5 प्रण हमें लेने होंगे, डेवलपमेंट, स्कूल क्योंकि बिल्डिंग बनानी है, डेवलपमेंट बनाना है, और उन्होंने कहा कि सबको साथ आना चाहिए, बीजेपी को भी उन्होंने नेता दिया कि इसमें साथ। सही बात है, करोड़ों रुपए जब विज्ञापनों पे जा रहे हैं, करोड़ों रुपए जब ऐड में जा रहे हैं, तो मेक इन इंडिया नंबर वन, पहले ये तो बताइए दिल्ली लंदन पेरिस न्यूयॉर्क बन गई, अब इंडिया को भी लंदन पेरिस न्यूयॉर्क बनाएंगे? 5 प्रण इनकी पार्टी ने जो लिए हैं वो है करप्शन, और सबसे बड़े करप्ट ये हैं, सबसे ज़्यादा डाइवर्ट पॉलिटिक्स ये करते हैं, सबसे गंदी राजनीति ये करते हैं, कोई लेना देना नहीं है कोई डेवलपमेंट से। सच्चाई ये है, और मैं फिर से कहना चाहूँगा, असली आज़ादी रोज़गार है, मुफ्त में सिर्फ गुलामी मिलती है। हम दिल्ली को सक्षम बनाना चाहते हैं, लाचार नहीं, ये दिल्ली को लाचार बनाना चाहते हैं, इसी तरीके की राजनीति करते हैं, और वो राजनीति करने हम नहीं आए। हम दिल्ली को सक्षम बनाएंगे, ये दिल्ली को लाचार बनाना चाहते हैं, और ये सिर्फ दिल्ली और देश की जनता को आगे आने वाले समय में गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे।